अच्छा है जी ये काला पानी में, ये देखें पीछे ये काला पानी भी जामे मस्जिद है, और ये सामने जो है होटल है, ये बाजार भी पीछे दिखाएँ, तो ये काला पानी का बाजार है। एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो यहाँ के काला पानी की जो हिस्ट्री है वो हमारे साथ शेयर करेंगे जी, और आज हम उनसे इंशाल्लाह बहुत सी मालूमात लेंगे, यहाँ पे आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हम पहुँचे हैं जी पैक्शन बंगला काला पानी पे। देखें ये बहुत लगे है, ये इसके बैक पे ये वो बंगला है जो ये उसी तरफ, ये आपको ये ठंडा ठार बहता हुआ पानी नज़र आएगा, साफ शफाफ जो सरियानी के पहाड़ों से निकलता हुआ ये जा रहा है। ये बिल्डिंग भी इस दौर की बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आपको? ठीक है, आज हम आए हैं जी सिंधियानी रोड पे वाके काला पानी, बहुत ही मशहूर और फेमस प्लेस है काला पानी। और इस जगह का जो है खासकर मशहूर एक बंगले की वजह से है, एक बंगला बना हुआ है चामा, और उसका मशहूर है कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है जी, और वहाँ पे जो है काला पानी के मकाम पे, और वहाँ पे जो अंग्रेज़ ऑफिसर होते थे वो वहाँ पे स्टे करते थे, और अपनी जो इंतज़ामी उमूर है वहाँ से वो सर अंजाम देते थे जी। तो काला पानी जो है बहुत ही मशहूर प्लेस है, आज हम आपको लेके जाते हैं काला पानी, हमारे साथ चलिएगा। पानी की जामे मस्जिद है, और ये सामने जो है होटल है, ये बाजार भी पीछे दिखाएँ, ये काला पानी का बाजार है। और अभी हम नीचे जाते हैं जी होटल की तरफ, बंद करो हमारे साथ ही रहिएगा, नीचे आपको जो है नौ जाती है उसका पानी भी दिखाएँ। ये भी बहुत, क्योंकि सरियानी टाप के जो अंग्रेज थे उनका वो एक पॉइंट था जी, और ये रास्ता इस्तेमाल किया करते थे, और ये पुल जो है उस टाइम का मैडम ने किया था, और इसको वो यूज़ किया करते थे। ये देखें आप, ये पानी दिखाएं, अस्सलाम वालेकुम जी, ये भी हम काला पानी पे बैठे हैं, और हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो यहाँ के काला पानी की जो हिस्ट्री है वो हमारे साथ शेयर करेंगे जी, और आज हम उनसे इंशाल्लाह बहुत सी मालूमात लेंगे, यहाँ पे आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बस हमारे चाहने वालों को थोड़ा सा काला पानी के बारे में बताएंगे। ये 1751 में जब एफर्ट ने अपना यहाँ आए, तो उसने फौज को हैदराबाद यहाँ से काला पानी जो ओरिजिनल काला पानी है वहाँ से वो अपनी फौज के लिए पानी लेकर के आया, वो पाइप आज भी मौजूद है। और उसके बाद आज भी वो पानी जो है वो चार फौज के बंदे हैं, तीन सफाई एक हवलदार है, एक मकामी चौकीदार ड्यूटी कर रहे हैं, चार बंदे आज भी वहाँ मकामी पक्के ड्यूटी कर रहे हैं। ये भी बताते चले कि ये पानी आज भी पूरे पीएम में जो पाकिस्तान की एकेडमी है उसको आज भी जो है ये पानी हमारी फौज लाइन से जाता है, ये एफर्ट ने अपनी फौज के लिए लाया था, और आज ये हमारी फौज 24 इंच इस्तेमाल कर रही है, वो 8 इंच किया था, उसने 8 इंच कमाया, अब ये 24 इंच हमारी फौज के लिए। अच्छा, हमें ये थोड़ा सा यहाँ पे जो बंगला है जी उसके बारे में ये भी
उसी दौर में 1857 के बाद उसने अपने लोगों के लिए एक खबर है और साथ किया खबर बना हुआ है और उनको डाक बंगला है जहाँ ये स्टे करते थे अंग्रेज और यहाँ से फिर आगे वो कहने के लिए दूसरे दिन निकल गए। बहुत अच्छा जी। तो ये अच्छा ये सब पाकिस्तान बनने से पहले की बातें हैं कि यहाँ पे चूँकि अंग्रेज़ों का तो ये इस जगह की आप अहमियत में अंदाजा लगाएं जो चुनानी का आप है तो उस वक्त भी ये अंग्रेज जो है इस्तेमाल करते हैं आज भी हमारी पाक आर्मी के जो है कंट्रोल में आज का तो थोड़ा सा हमें ये जो पीछे एक पोल बना हुआ है जिस तक भी ये जो है ये तीन पोल का नहीं ये एक पोल ये नीचे और ये गली बना दे ये 1978 में कम्प्लीट 1978 में जब नैनी वो बालखान के दौर में बनी है ना तो ये 1978 में ये मकामी लोगों ने बनाया तो ये जो जिस पर हम बैठे हुए हैं इसके नीचे है वो जो इसके ऊपर ये चोट बना काला पानी का नाम जो है शख्स के नाम पर रखा गया है जहाँ से पानी निकल रहा है हमारा ये उस शख्स के नाम पर काला। अच्छा जिस जगह जिस आदमी की वो जगह थी उसका नाम काला खान या काला था और उसकी जगह पे 1851 में गया पानी। आप भी बड़ देखें काला पानी जिस नाम से मशहूर है ये फरोखों का कहना है कि जिस आदमी की वो जगह है जहाँ से ये पानी पीएमए को जाता है उस आदमी के नाम से ये जगह मशहूर हुई है काला पानी के नाम उस आदमी के नाम से। चलिए जी बहुत शुक्रिया आपका आपने हमें टाइम दिया बड़ी मेहरबानी। आप पे खड़े हैं और जहाँ से ये पीछे जामा मस्जिद आपको नजर आएगी काला पानी की और नीचे ये देखें बाजार है जहाँ पे होटल्स आपको मिलेंगे खाने पीने की हर चीज़ आपको मिलेगी माशाल्लाह बहुत मुनासिब काम है। ठंडा घर मौसम है जी यहाँ पे माशाल्लाह काला पानी पे और ये खजानी रोड है ये आप देखें कि जहाँ से ये गाड़ियाँ जा रही हैं ये सीधा ऊपर खजानी की रोड जा रहा है ये रोड बहुत ही खूबसूरत मकाम है जी। वो सामने आप देखें वो बंगला है जी अंदाज बंगला जिसकी और जहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं आपको लेके जाएंगे ये अंदाज बंगले में जो अंग्रेज रोड का बना हुआ है वो मेरे साथ ही रहिएगा इंशाल्लाह। ये देखें आप ये काला पानी का बाज़ार है जी ये टिडियानी रोड। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और ये सामने होटल्स देखें आप बहुत ही खूबसूरत व्यू काला पानी का। ये एबटाबाद से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है जी काला पानी मैन ठंडानी रोड पे वाकई है ये। ये हम पहुँचे हैं जी इंस्पेक्शन बंगला काला पानी पे देखें ये बहुत लगे है ये इसके बैक पे ये वो बंगला है जो अंग्रेज रोड का बना हुआ है जी अंग्रेज यूज़ करते थे मेरे साथ से ये काम जाते हैं अंदर। देखें जी हम पहुँचे हैं ये बंगला काला पानी का मशहूर प्लेस है जो अंग्रेज दौर की बनी हुई है जिसकी आप देखें थोड़ी सी इसमें अभी इसका तमीर का काम उन्होंने किया है
ये पत्थर से बनी हुई है सारी, यहीं पर दिखाएंगे इनको पता। बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पे जो अंग्रेज़ ऑफिसर थे यहाँ पे स्टे किया करते थे जी इस बंगले में, और यहाँ पे जो है अपने इंतज़ामी उमूर भी चलाया करते थे, फिर आगे छिजानी की तरफ जाते थे, यहाँ पे अंदर स्टे हुआ करते थे इस बंगले में। और ये पीछे देखें आप इस तरफ इनको दिखाएं जी, साथ ही खूबसूरत व्यू, ये पानी देखें नो का और ठंडा ठाक वहाँ चल रही है, यहाँ पे खूबसूरत व्यू भी है साथ। देखें जी बहुत ही खूबसूरत मकाम काला पानी पे, ये डाक बंगला जिसको बोलते हैं, एक तरफ सजानी रोड जाती है, दूसरी तरफ ये आपको ये ठंडा ठार बहता हुआ पानी नज़र आएगा, साफ शफाफ जो सजानी के पहाड़ों से निकलता हुआ ये जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत मकाम है ये डाक बंगला काला पानी। चूँकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो वरना हम आपको ये अंदर से भी दिखाते जी। ये बाहर से इसकी बिल्डिंग आप देखें, ये बिल्कुल काला पानी जो बाज़ार है उसके साथ है। इस काला पानी इस डाक बंगला के अंदर कदम रखते ही हम माजी के उन लम्हात में पहुंच जाते हैं जब यहाँ पे अंग्रेज़ का दौर था और वो लोग ये जो मकाम है इस्तेमाल किया करते थे। और पाकिस्तान बनने के बाद ये अभी सरकारी इमलाक में आ गया जी। ये साथ भी एक पुरानी बिल्डिंग ये आपको दिखाएं, ये जामे मस्जिद के साथ ही है, ये भी उस दौर की बनी हुई है जी। ये देखें ये बिल्डिंग भी उस दौर की बनी हुई है, ये नीचे आप जो देख रहे हैं। और ये साथ जामे मस्जिद काला पानी की है। और ये पीछे ये जो इस बंगले का ये गेट है इसके साथ ही ये ठिडानी रोड ऊपर जाती है जी। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है ये आज जो हमारा काला पानी का टूर था जी, और ये भी आपको इसकी वीडियो भी अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होती है जी मैं एबटाबाद के खासकर जो मशहूर मकामात हैं यहाँ की वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं और आपको दिखाऊं। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त जी। अल्लाह हाफिज़।